हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का मेरा आउटफिट है पिंक टॉप एंड ब्लू जीन्स। एक बेसिक सा आउटफिट है वैसे मेरा, और मैंने फिर सोचा कि क्यों ना आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें मैं शेयर करूं। अभी हाल फिलहाल में मैं गई थी अपने मामा जी के घर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, मुझे बहुत मज़ा आया। बट मैं बहुत थक गई थी, और पॉल्यूशन के कारण मेरे यहाँ पर, आपको नहीं दिख रहे होंगे या फिर पता नहीं, यहाँ पर मेरे पिंपल्स हो गए हैं, काफ़ी पिंपल्स हो गए हैं। पर अब क्या ही कर सकते, हो गए तो हो गए। तो फेस पैक लगा वगा के जो भी चीज़ें सब कुछ करके वो ख़त्म होते हैं, तो देखते हैं। और हमारे जो भी त्यौहार वगैरह, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे वगैरह जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। अब आएगी जन्माष्टमी, तो फेस्टिवल बस वही है उसके बाद, इन सब के बाद। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका अपने डेली ब्लॉग्स में मैं अपना सब कुछ आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ आपको बताऊं हर चीज़, और अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी मेरे साथ होता है, अच्छा बुरा, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में आपसे शेयर करूं, आप लोगों से बातें करूं। और अगर आप मुझे कोई भी सजेशन या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी आप बताना चाहते हैं अपने बारे में या फिर मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो मैं अपने रोज़ कोई ना कोई, जो भी मैं आउटफिट पहनूंगी, जो भी मैं करूंगी या फिर जो नया चीज़ होगी, ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, ठीक है। और आजकल मेरा फेवरेट कलर पिंक है, तो इससे मैंने पिंक पहना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा पिंक। और आज मुझे शॉर्ट्स बनाने हैं, सो मेरी उस उन चीज़ को लेकर टेंशन में हूँ। और हाँ, अभी ये मेरी मेहंदी है, मुझसे मेहंदी लगी नहीं थी ढंग से, मुझसे नहीं लग पाई, सो मैंने बस इतना ही लगा दिया, मुझे मेहंदी नहीं आती लगाने। बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रही, क्या पता किसी एक दिन आ जाए या कभी ना आए, बट कोशिश तो करूँगी लगाने की। ये भी मेहंदी लगाना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, जो कि अभी तो मुझे नहीं आती। अब देखेंगे ये कला को हम इम्प्रूव करेंगे या फिर क्या है क्या नहीं करेंगे। सो दैट्स इट। जो भी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं ज़रूर करूँगी। मैंने तो अब ये सोच लिया है, मैं ये नहीं सोचूंगी कि ये कैमरे में नहीं दिखाना है, फिर ये चीज़ नहीं बतानी, क्या पता नहीं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट मैं इतनी आप लोगों के साथ अभी खुल चुकी हूँ, या फिर अब आप लोगों पे भरोसा करती हूँ मैं कि आप लोग वो चीज़ समझेंगे, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ हर चीज़ अपनी शेयर करूँगी, हर चीज़ आपको बताऊँगी जो मुझे लोगों की बुरी लगी या फिर लोगों की अच्छी लगी, वो सब चीज़ मैं आपको ज़रूर ज़रूर बताऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और आप अपना ख्याल भी रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, अपने आस पास जो भी चीज़ें हैं उनको छोटी छोटी खुशियाँ ढूँढा करिए, क्योंकि बड़ी बड़ी खुशियाँ बहुत मेहनत करने से मिलती हैं, या फिर कई लोगों को तो बाय बर्थ ही मिल जाती हैं बड़ी बड़ी खुशियाँ। बट उनको छोटी छोटी खुशियों में जो भी हमारे को खुशी मिलती है ना, एक अंदर सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि उनको मिल पाएगी। सो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहिए, अपनी फैमिली से प्यार करिए, जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है उनके साथ रहिए,
आप जिनके साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो वो कहते हैं ना कि कल्टी मार जाओ, मतलब वहां से निकल जाओ और उनको छोड़ दो। कई बातें होती हैं, कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि कई रिश्तों को हम छोड़ नहीं सकते, ऐसे वो रिश्ते होते हैं। तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो, बस उनके साथ रहो, ना उससे कोई बहस करो क्योंकि वो नहीं समझेंगे। बट चलो कोई बात नहीं, मेरा अभी छोटे मोटे तो एक्सपीरियंस यही रहे हैं कि लोगों की आदतें नहीं बदलती, लोग जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं और शायद वो बद से बदतर होते चले जाते हैं। तो इसलिए उनको छोड़ दो या उनको कुछ मत बोलो, न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि जितना आप रस्सी को खींचोगे ना आपके हाथ में चोट उतनी ही लगेगी। सो चलिए कोई बात नहीं, ये तो मेरा हो गया थोड़ा बहुत लाइफ अपडेट, एक छोटा सा वीडियो फॉर माय लाइफ अपडेट। तो आगे ही मिलते रहेंगे ज़रूर से, मैं अपनी छोटी छोटी जो वीडियोस हैं वो एडिट करके आप लोगों को मैं पोस्ट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसी फेक यूट्यूबर बनूँ, मुझे नहीं पसंद सच बताऊँ तो। जो सच बताऊँ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना वो आप लोगों के सामने हैं, ये मैंने सच में इतनी मेहनत से, अभी मेरे मुझे ऐसा लगता है 2.5-3 साल होने जा रहे हैं, अब पता नहीं ग्रो कब होएगी, ग्रोथ कब होएगी यूट्यूब की मुझे नहीं पता, बट जो भी हैं सब्सक्राइबर मेरे तो वो यही है आपके सामने है। कोई फेक, कुछ चीज़ फेक नहीं है, ना मेरी लाइफ फेक है ना मेरा यूट्यूब चैनल फेक है, एवरीथिंग इज ओरिजिनल। और ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। चलिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बड़ों का आदर कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, बाय बाय।